हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS क्लर्क 2018 का एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में होने वाला है और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट के सामने एक एक इशू रहता है, एक प्रॉब्लम रहती है कि इंग्लिश सेक्शन को किस तरीके से डील किया जाए और इंग्लिश सेक्शन का सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ किस तरीके से निकाला जाए। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है बेस्ट क्वेश्चंस की। इसमें मैं यूट्यूब पर बेस्ट इंग्लिश क्वेश्चंस की सीरीज़ ये चला रहा हूँ और ये सारे वीडियो क्लासेस हिंदी में भी रहते हैं और इंग्लिश में भी रहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं वो इन सारे वीडियो क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा एक मैंने और इनिशिएटिव लिया है, जो स्टूडेंट पेड क्लासेस को मंथली बेसिस फीस पर ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। आपको इस साइट पर जाना है, इस साइट पर मैंने सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं और यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का बेस्ट कंटेंट ऑनलाइन मिलेगा, जिसको आप टैबलेट पर, पीसी पर, लैपटॉप पर और मोबाइल पर देख सकते हैं और अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें जो कंटेंट आपको मिलेगा वो पूरी तरीके से लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगा और पूरी तरीके से नए जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन पर वो आधारित होगा। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो examini.in वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे, इस पेज पर आप पहुंच जाएंगे और इस थंबनेल के नीचे ये चार छोटे छोटे जो थंबनेल दिए हैं, जैसे ये दिया है, ये दिया है, ये डेमो क्लासेस हैं। आप इन डेमो क्लासेस को देख सकते हैं और यहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं। इन क्लासेस को मंथली बेसिस फीस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो वन टाइम पेमेंट नहीं दे पाते हैं। तो बहुत ही कम फीस में बेस्ट कंटेंट क्लासेस आप घर बैठे आप देख सकते हैं और आसानी से तैयारी कर सकते हैं। पेड क्लासेस में ये रहता है कि सारी क्लासेस सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग आपको मिलता है व्हाट्सएप के थ्रू, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और सारे टॉपिक्स उसमें कवर होते हैं, सारे बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स, वोकेबलरी के टॉपिक, क्लोज टेस्ट के टॉपिक, सारे टॉपिक्स उसमें कवर होते हैं। और इसमें मैं प्री का, मेंस का और GDPI का आपको पढ़ाऊंगा। तो इसको मंथली बेसिस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, 1 महीने के बाद ये कोर्स आपका एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपको इसको रिचार्ज करा सकते हैं और सभी स्टूडेंट के लिए बेहतरीन रहेगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और ये साइट का नाम है, ठीक है? तो यहाँ से इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। देखिए, ये क्लास आपके लिए एक डेमो क्लास की तरह भी हो सकती है, जो मेरी पेड क्लासेस हैं उसकी आप डेमो क्लास एक मान सकते हैं। देखिए, इंग्लिश सेक्शन क्या है? इंग्लिश सेक्शन में यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, आपका कॉम्प्रिहेंसन अच्छा है, आप स्पीडी आपकी जो रीडिंग है वो काफ़ी स्पीडी है, अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं, तो इंग्लिश सेक्शन को निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसको ना केवल आप निकाल सकते हैं बल्कि ओवरऑल कट ऑफ भी उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। जैसे ये एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन 5 पार्ट में डिवाइड है, ABCDE, और कोई भी एक पार्ट इसमें गलत है तो उस गलत पार्ट को अलग हटा के फिर जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है? सपोज ए पार्ट इसमें गलत है तो आपका आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? आपका कॉम्बिनेशन बनेगा BCDE, क्योंकि ए पार्ट गलत है। जो पार्ट गलत है, ठीक है, उसका जो करस्पॉन्डिंग लेटर होगा उसको हटा के जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है? अब देखिए, टाइम मैगजीन डेडिकेटेड इट्स पर्सन ऑफ द ईयर कवर टू विमेन हु ब्रोक द साइलेंस सराउंडिंग द परवेसिवनेस ऑफ सेक्सुअली हरासमेंट एंड वायलेंस स्पेशली इन द वर्क प्लेस। देखिए, बैंकिंग एग्जाम में आपके लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उस सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आए, ये भी जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड मीनिंग आपको पता हो। एग्जामिनर ये चेक नहीं करता है कि आपको सारे वर्ड्स पता हैं, उस सेंटेंस का मीनिंग आप समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। एग्जामिनर चाहता है कि आपको इंग्लिश की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो, इंग्लिश को आप समझ सकें अच्छे तरीके से। अब इस पूरे सेंटेंस को यदि आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। टाइम मैगजीन डेडिकेटेड, टाइम मैगजीन सिंगुलर है तो यहाँ पर इट्स लगा हुआ है जो कि सही है। इट्स पर्सन ऑफ द ईयर कवर टू विमेन हु ब्रोक, ये भी देखिए पास्ट में चल रहा है यहाँ पर, हु ब्रोक सराउंडिंग्स द परवेसिवनेस ऑफ सेक्चुअली हरासमेंट। देखिए, हरासमेंट क्या है? हरासमेंट किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, उसको ह्यूमिलिएट करना, परेशान करना। तो हरासमेंट अपने आप में क्या है? हरासमेंट अपने आप में एक नाउन है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, इसके थ्रू
बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको पता होता है कि इंग्लिश किस तरीके से काम करती है। हरासमेंट क्या है, एक नाउन है, और नाउन के नाउन को मॉडिफाई हम किससे करेंगे, नाउन को मॉडिफाई करेंगे हम एडजेक्टिव से। तो सेक्चुअली क्या है, जिसमें एलवाई लगा रहता है वो एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव नहीं होते। तो यहां पर सही वर्ड क्या होगा, यहां पर सही जो वर्ड होगा वो होगा सेक्चुअल हरासमेंट। सेक्चुअली हरासमेंट ना होते हुए सेक्चुअल हरासमेंट होगा। तो ये जो पार्ट है ये किसमें है, ये पार्ट है डी में। गलत पार्ट कौन सा है, डी में है। अब इसमें आंसर क्या होगा आपका, आपका आंसर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें डी लेटर नहीं है, ठीक है। डी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें है और डी इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डी। अब देखिए एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलता है 40 सेकेंड, और मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया 5 या 6 सेकेंड में, और आप भी इस तरह के क्वेश्चन को 5 या 6 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये रियल बैंकिंग एग्जाम का क्वेश्चन है, ये मेरा बनाया हुआ सेंटेंस नहीं है, ये रियल क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मैंने इसका अर्थ आपको नहीं बताया इस पूरे सेंटेंस का, ना ही ये जानना जरूरी है पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या है। आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि पूरे सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, सारे वर्ड मीनिंग को, सारे वर्ड का मीनिंग निकालेंगे, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर होगा आपका एग्जाम में फेल होने का। आपको टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करना है। देखिए एग्जाम में आपको ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे में क्वेश्चन करना है, आपको अनलिमिटेड टाइम वहां पर नहीं मिलेगा। वहां पर जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्रूशल है। और टाइम मैनेजमेंट में करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सीधा आप टारगेट को हिट करें, ठीक है। और यही चीज़ मैं अपनी क्लासेस में स्टूडेंट को सिखाता हूँ, और यही एक रीज़न है कि मेरा जो सक्सेस रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई है इंग्लिश सेक्शन में। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मेरे चैनल के थ्रू निकलते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, इसको भी मैं सेम तरीके से आपको बताऊंगा। दीज एक्सपीरियंसेस हैव एन इंसीडियस इफेक्ट, इंसीडियस इफेक्ट मतलब डेंजरस इफेक्ट, ऑन विमेंस लाइफ्स एंड एबिलिटी टू पार्टिसिपेशन। देखिए सिंपल सी इरर है इसमें कि टू के बाद हम पार्टिसिपेट बोलेंगे, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, टू के बाद कभी भी हम नाउन नहीं लगाते हैं, यानी सी पार्ट इसमें गलत है। अब आपका आंसर क्या होगा, जिसमें सी नहीं है, सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, आपका आंसर होगा सी। कितना टाइम लगा इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैंने आपको इंसीडियस का मीनिंग नहीं बताया, मैंने आपको और किसी वर्ड का मीनिंग नहीं बताया, मैंने इसको ट्रांसलेट नहीं किया, और विद इन सेकेंड्स आपके सामने आंसर आ गया, और ये रियल बैंकिंग क्वेश्चन हैं। तो इसके थ्रू मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश को, बैंकिंग इंग्लिश को आपको हवा नहीं समझना है, उससे डरना नहीं है, उससे नर्वस नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं होना है। इंग्लिश के बेसिक्स को समझना है, और जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको आपको डेवलप करना है। अब देखिए यहां पर फिर से मैं बताता हूँ, व्हाट मैटर्स टू देम वॉज दैट लेनिन हैड इंस्पायर्ड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेड गवर्नमेंट इन दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच है। देखिए गलती पकड़ में आ गई है, यहां पर देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं पास्ट की, हैड पास्ट पास्ट, और यहां पर है प्रेजेंट टेंस। तो यहां पर जो सही वर्ड होगा वो होगा हैड बीन, ठीक है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि यहाँ पर हैड बीन आएगा, लेकिन ये तो आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर पास्ट से रिलेटेड एक वर्ड आएगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन तो है नहीं। तो इसलिए आपके लिए जानना ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हैड आएगा या हैड बीन आएगा, ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर हैड बीन आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन आपको तो केवल स्पॉट स्पॉट द एरर करना है, यानी ई पार्ट में इसमें गलती है। अब आपका आंसर क्या होगा, ई इसमें है, ई इसमें है, ई इसमें है, इसमें ई नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। देखिए ये सारे रियल क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और आपके सामने मैं प्रूव करके बता रहा हूं कि इंग्लिश को आपको हवा समझने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश से आपको डरने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश को आप हंसते हंसते बैंकिंग एग्जाम में प्री और मेंस में निकाल सकते हैं, GDPI आप निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, द ब्यूटी ऑफ व्हाट घोष डिस्कवर्स इज दैट दीज विलेजर्स हैव बीन फॉलोइंग सच सेन इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस फॉर मैनी डिकेड्स विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द स्टेट एंड वेल वेल बियॉन्ड द गेज ऑफ द मीडिया। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि एक मिस्टर घोष हैं, उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है, डिस्कवरी में उन्होंने ये पाया है कि दीज विलेजर्स, ये गाँव वाले जो हैं, बहुत अच्छी, बहुत सेंसिबल इकोलॉजिकल प्रैक्टिस को अप्लाई कर रहे हैं दशकों से। यदि मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा,
और मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन यहां पर एक्चुअली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रिक क्या है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है। देखिए यहां पर लिखा है डिस्कवर्स, इसका क्या मतलब हुआ डिस्कवर्स? प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम किसके लिए लगाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए या हैबिट्स के लिए लगाते हैं, लेकिन यहां पर मिस्टर घोष ऑलरेडी कुछ डिस्कवर कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने पाया है कि ऐसा हो रहा है। पहले उन्होंने डिस्कवर किया है, उसके बाद उन्होंने ये चीज पाई है कि ऐसा उनके डिस्कशन में हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर डिस्कवर्स ना बोलते हुए मैं बोलूंगा डिस्कवर्ड। द ब्यूटी ऑफ व्हाट घोष डिस्कवर्ड इज दैट दीज विलेजेस हैव बीन फॉलोइंग, ठीक है। तो ये है इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यहां पर डिस्कवर्स नहीं आएगा, यहां पर आएगा डिस्कवर्ड। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें ए नहीं है। ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, ए सेकंड में नहीं है। आपका आंसर होगा बी। तो आप देख सकते हैं ये देखने में ये क्वेश्चन कितना लंबा लग रहा है, ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी लग रहा है। इसमें वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, जैसे डिकेड है, एक गेज है, मीडिया है, इकोलॉजिकल है, सेन है, काफी सारे वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है। सेन का अर्थ होता है सेंसिबल, डिकेड मतलब 10 साल का जो टाइम है, गेज मतलब नजर मारना, मीडिया, तो सिंपल सिंपल इंग्लिश है ये। और इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टुडेज अप्लाइंसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, इंटरेक्टेड विद पीपल एंड इवन टू ए डिग्री एक्ट आउट कंपेलिंग स्टोरीज बाय देमसेल्व्स। मतलब इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें आजकल के जो अप्लाइंसेज हैं, जो डिवाइसेज हैं, उनकी बात हो रही है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस को यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए, टुडे अप्लाइंसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, इंटरेक्टेड विद पीपुल एंड इवन टू ए डिग्री एक्ट आउट कंपेलिंग स्टोरी। यहां पर एक्ट आउट है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी पूरा सेंटेंस, ये पूरे सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है, ठीक है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए यहां पर इंटरेक्टेड ना होते हुए ये होगा इंटरेक्ट, यानी बी पार्ट जो है इसका गलत है। अब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें बी नहीं है, बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, आपका आंसर होगा बी, ठीक है। तो ये है इन क्वेश्चंस को करने की बेस्ट ट्रिक्स, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ये ट्रिक बेसिकली क्या है? इस ट्रिक को सभी रैंकर्स, सभी टॉपर्स अप्लाई करते हैं, और इस ट्रिक को मैंने इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ये एक सीक्रेट है बैंकिंग एग्जाम में, इंग्लिश सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सीधा टारगेट को आपको हिट करना है। और यदि आप रीडिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पर, पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर, जैसे बैंकिंग एग्जाम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा द हिंदू और इकोनॉमिस्ट, द हिंदू पढ़िए या इकोनॉमिस्ट पढ़िए, और रीडिंग करिए तेजी से, ठीक है। तो इससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। और इन इन न्यूज़पेपर में एक सुडोकू एक एक्सरसाइज आती है, ठीक है, एक पजल होती है, तो उसको भी आपको सॉल्व करना चाहिए, उससे आपकी वर्ड पावर भी इम्प्रूव होगी और पजल वाला जो एरिया है वो भी काफ़ी काफ़ी इम्प्रूव आपका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ फ्यू थाउजेंड सेंसर्स सिस्टमेटिकली प्लेस्ड ऑल अराउंड आर सिटी माइट एक्यूरेटली ट्रैक ट्रैफिक रूल वायलेशन, मॉब वायलेंस और अदर इरेगुलरिटी। इस पूरे सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं लग रही। अ फ्यू यहाँ पर सही है, यदि ये फ्यू होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हम थाउजेंड सेंसर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ए फ्यू ये सही है, यदि फ्यू होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि फ्यू होता है नेगेटिव। सिस्टमेटिकली प्लेस्ड ये सही है, प्लेस्ड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, तो ये सही है। ऑल अराउंड द सिटी ये सही है। माइट, मे और माइट एक ही चीज़ होती है, मे के थ्रू हम पॉसिबिलिटी को बताते हैं और माइट के थ्रू वीक पॉसिबिलिटी को बताते हैं। माइट एक्यूरेटली ट्रैक, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये सही है, माइट एक्यूरेटली ट्रैक, ठीक है। ये चीज एक्यूरेटली ट्रैक कर सकती है किस चीज़ को? ट्रैफिक रूल वायलेशन को, ये नाउन है, मॉब वायलेशन को और अदर इरेगुलरिटीज को। तो एनालाइज करने के बाद इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है और इसका आंसर होगा नन ऑफ दीस, ठीक है। इस सेंटेंस को देखते हैं। अलॉट ऑफ आर पर्सनल एंड लाइफ स्टाइल डेटा आर शेयर्ड
डेटा आर शेयर्ड सही है, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, डेटा आर शेयर्ड, डेटा को शेयर किया जाता है थ्रू स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड वी डू नॉट इवन अंडरस्टैंड दैट योर ब्रेकफास्ट टाइम टीवी वॉचिंग शेड्यूल एंड इवन व्हेन योर हाउस रिमेन्ड एम्प्टी नहीं होगा। इसमें चूंकि हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ आर पर्सनल लाइफ स्टाइल डेटा आर शेयर थ्रू स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट योर ब्रेकफास्ट टाइम टीवी वॉचिंग शेड्यूल एंड इवन व्हेन योर हाउस रिमेन्स एम्प्टी। क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं इसलिए ये होगा रिमेन्स एम्प्टी, यानी सी पार्ट इसमें गलत है। तो सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें नहीं है। आपका आंसर होगा बी। ठीक है, देखिए कितना लंबा सा ये सेंटेंस है, लेकिन ट्रिक से आप इन सेंटेंस को कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द अराइवल ऑफ ए न्यू टॉय बज लाइटियर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बिटवीन द ओल्डर टॉयज। क्या हम यहाँ पर ओल्डर टॉयज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पुराने खिलौनों की बात कर रहे हैं? तो पुराने खिलौने, क्या यहाँ पर लिखा है कि पुराने खिलौने जो हैं वो संख्या में दो हैं? यदि नहीं लिखा तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ओल्डर टॉयज दो से ज़्यादा हैं, और दो से ज़्यादा के लिए हम बिटवीन नहीं लगाते, हम अमंग लगाते हैं, यानी बी पार्ट इसमें गलत है। बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें, आपका आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बेंगलुरु एरियल मिशन टू प्रोड्यूस अ थ्री डायमेंशनल मैप ऑफ रूफ टॉप सोलर पावर पोटेंशियल यूजिंग लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग डेटा कैन गिविन। कैन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी ई पार्ट आपका गलत है, जिसमें ई इसमें है, ई इसमें है, ई इसमें है, आपका आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द पर्सन कैन एक्सपीरियंस लोअरिंग ऑफ कॉन्शसनेस टूवर्ड इवनिंग एंड नाइट टाइम विद इज बिहेवियर बिकमिंग अनरिस्पॉन्सिबल एंड अनमैनेजेबल विद द सेटिंग सन, अ फिनोमिनॉन नोन एज द सन डाउनिंग इफेक्ट टूवर्ड इवनिंग एंड। देखिए यहां पर एंड से दो चीजें जुड़ी हैं, इवनिंग एंड नाइट टाइम, तो ये होगा आपका, ये होगा होना चाहिए इवनिंग एंड नाइट टाइम्स। बी पार्ट गलत है आपका, बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें, आपका आंसर होगा बी, ए सी डी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अपनी सभी वीडियो क्लासेस में, चाहे वो यूट्यूब की क्लासेस हों या मेरे पेड क्लासेस हों, मैं ट्रिक के थ्रू आपको सिखाता हूँ, बेसिक्स में ले जाता हूँ आपको। ग्रामर जैसे मैं सिखाता हूँ तो बेसिक्स सिखाता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, और इंग्लिश को ट्रिक के थ्रू मैं करना बताता हूँ कि किस तरीके से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी है। तो यदि आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में निकलना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाइए, सारे वीडियो क्लासेस देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सारे वीडियो क्लासेस आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप टॉप स्कोरर बनना चाहते हैं, हाई स्कोर अचीव करना चाहते हैं, तो आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और मंथली बेसिस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। मंथली क्लासेस जो हैं वो उसका जो थंबनेल होगा वो येलो कलर का होगा, ठीक है, वो मंथली क्लासेस हैं, तो उनको भी आप बैंक पीओ के लिए, बैंक क्लर्क के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। इन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।